नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई दीवान सर पे। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर हरियाणा पंचायती राज और नगर पालिकाएं, ठीक है। जैसे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की संख्या क्या है, खुद चुनाव खर्च कितना है। इधर से अभी आपको पता है कि हरियाणा में चुनाव हो रही हैं, तो कितनी संख्या ग्राम पंचायत की, कितनी संख्या अपने बात करें ब्लॉक समिति की, कितनी संख्या अपने जिला परिषद की है, वो सारी चीज़ें खर्च सहित पूरी एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ें हर एक चीज़ पर डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। और ये पीडीएफ क्लास अपलोड होने के बाद 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर मैं अपने डाल दूंगा भाई टेलीग्राम ग्रुप पे, जीके भाई दीवान सर टेलीग्राम चैनल है अपना, उस पर मिल जाएगी। देखिए बिल्कुल ऑफिशियल रहेगी। एक बात तो ये बता देता हूँ, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ऑफिशियल पीडीएफ है ना, हरियाणा पंचायती राज वेबसाइट से डाउनलोड की गई है, 2022 की नवीनतम पीडीएफ है। चलिए इस पे देखते हैं क्या क्या आंकड़े अपने को पढ़ने को मिलेंगे। देखो भाई, सबसे पहले ध्यान दीजिए, नेम ऑफ पंचायती राज, ठीक है, और नंबर हो गए यहाँ पर नेम ऑफ ऑफिस और नंबर। अब देखिए भाई, ग्राम पंचायत, अगर ग्राम पंचायत की मैं बात करूँ, हरियाणा में ग्राम पंचायत 6228 है। कितनी है जी? 6228 सर्वाधिक यमुनानगर में, और सबसे कम 100 आपके कहाँ पर, फरीदाबाद में है। चलिए इसके आगे देखिए, सरपंच कितने होंगे गाँव में, टोटल जितनी ग्राम पंचायत उतनी ही सरपंच होंगे, सीधी सी बात है। पंच कितने होंगे? 62,070 पंच होंगे, ठीक है, ये ग्राम पंचायत में आते हैं। आगे देखिए, पंचायत समिति 143 ब्लॉक है, तो 143 ही क्या होगी, पंचायत समिति होगी जी। मेंबर, मेंबर की बात करूं तो टोटल 3087 मेंबर। मेन इंपॉर्टेंट ये है, बाकी चुनाव हो रहे हैं ये भी आपको याद करनी है। आगे देखिए, जिला परिषद, जिला परिषद टोटल 22 है जी, और 22 में मैं बात करूं मेंबर कितने हैं जी, 411 मेंबर है जी। एक तो ये डाटा आपको याद करना है, ठीक है, हो जाएगा आराम से, कर लोगे, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इससे ऊपर आ जाइए, जरा थोड़ा सा इससे ऊपर आइए, ये लीजिए भाई आपके सामने चुनाव खर्च, कौन कितने पैसे खर्च कर सकता है एक पंच बनने के लिए, एक आदमी या अपने आदमी में महिला पुरुष दोनों आगे ना, 50,000 रुपए खर्च किए जा सकते हैं। इधर सरपंच बनने के लिए गाँव में 2,00,000 रुपए सरपंच लगा सकता है, ठीक है। उसके अलावा मेंबर पंचायत समिति, पंचायत समिति का मेंबर बनना है तो 3,60,000 खर्च राशि रखी गई है। मेंबर जिला परिषद, जिला परिषद का मेंबर बनना है तो 6,00,000 रुपए राशि रखी गई है। अब आप कहोगे जी चेयरमैन का नहीं बताया हमें, और अपने बात करें पंचायत समिति के अध्यक्ष के बारे में नहीं बताया, इसका अध्यक्ष इसका चेयरमैन के बारे में हमें नहीं बताया, तो चलिए उनकी चुनाव राशि क्यों नहीं है, उसका भी रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उनका चुनाव इनडायरेक्ट रूप से होगा। दुष्यंत चौटाला ने एक बार बोला था डायरेक्ट करवाएंगे, लेकिन सेम ही सिचुएशन है जो पहले हो रहे थे, वैसे ही चुनाव होंगे। देखिए अब यहां पे आ जाइए, वो डिटेल बात करेंगे, एक बार यहां गौर कीजिए, मेंबर जिला परिषद और बात करूं मेंबर पंचायत समिति है ना, इसके अलावा सरपंच और पंच, इनकी योग्यताएं दे रखी है, आप इनकी योग्यताएं देखिए। जैसे मान लीजिए जिला परिषद का मेंबर बनना है मेरे को, मेरे को क्या है पंचायत समिति का मेंबर भी बनना है, मेरे को सरपंच भी बनना है और पंच भी बनना है, बनाता कोई नहीं, बस बनना बनना है, ठीक है। अब देखिए इनमें से मान लीजिए मेरे को सरपंच बनना है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो कितना पढ़ा होना चाहिए, 10वीं पास होना जरूरी हूँ मैं, ठीक है। अगर पंच बनना है तो भी कितना, 10 होना जरूरी हूँ मैं, है ना। मेंबर ऑफ पंचायत समिति, इसके लिए भी 10वीं पास चाहिए, अच्छा, मेंबर ऑफ जिला परिषद, इसके लिए भी 10 चाहिए। ये बात हो रही है जनरल की, जैसे मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो ये चीज़ें मेरे लिए जरूरी है। अब मान लीजिए कि भाई अपने बीसी में, बीसी में भी कोई अगर बात करें, कोई अपने व्यक्ति पुरुष है तो उसके लिए यही चाहिए, केवल ये पुरुष पुरुष के लिए रहेगी, मैन मैन के लिए। अब देखिए वुमेन एंड एससी कैटेगरी, यानी महिलाओं और अपने एससी कैटेगरी के पुरुषों के लिए, तो कितनी चाहिए भाई, 8वीं पास चाहिए, 8वीं चाहिए, 8वीं चाहिए, 8वीं चाहिए, ये दिमाग में सेट नहीं हो रहा ना, मैं करवाता हूँ। एससी कैटेगरी के लिए महिलाओं के लिए कितनी चाहिए भाई, स्पेशल
एससी कैटेगरी के लिए महिलाओं के लिए 8वीं पास चाहिए जिला परिषद का बनने के लिए। इधर बात करूं मैं तो यहां पर मेंबर पंचायत समिति का बनना है अगर महिला है और वो एससी कैटेगरी से है तो भी 8 चाहिए। अगर सरपंच बनना है किसी महिला को एससी कैटेगरी से है तो भी 8वीं चाहिए। अगर किसी को पंच बनना है महिला को और वो एससी कैटेगरी से है तो क्या चाहिए 5वीं, यानी एससी कैटेगरी से जो महिलाएं हैं, जो भी महिलाएं हैं एससी कैटेगरी से उनको किसी भी पद पे बनना है 8वीं पास होना जरूरी है। लेकिन जो पंच बनना है ना, क्या बनना है, पंच बनना है, खाली क्या आ रहा है पंच, सरपंच नहीं, पंच बनना है, तो पंच बनने के लिए 5वीं चाहिए। पंच कितना होता है 5, ठीक है। पंच बनने के लिए खाली महिलाओं को एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, केवल 5वीं चाहिए, बाकी 8वीं होनी चाहिए महिलाएं एससी कैटेगरी की। अगर बात करूं अन्य महिलाएं, जो भी महिलाएं आ गई जनरल की महिला है उसके लिए भी 8वीं है, जनरल की महिलाओं के लिए भी कौन सी है 8वीं पास होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बात। अच्छा अगर बात करें पुरुष की तो पुरुष अगर जनरल से है तो 10वीं, अगर पुरुष बीसी से है तो भी 10वीं चाहिए, ठीक है ना। अगर पुरुष स्पेशल एससी कैटेगरी से है तो उसको 8वीं चाहिए, क्लियर हुआ। ये आपको पूरा डाटा ध्यान में रखना है भाई, ठीक है, अच्छे से इसको कवर कर लेना। अच्छा ये देखिए जो जमानत राशि वगैरह होती है ना, जो जमा की जाती है वो पंच के लिए इतनी है, सरपंच के लिए इतनी है, मेंबर ऑफ पंचायत समिति इतनी है, मेंबर ऑफ जिला परिषद की इतनी है, और ये नीचे चुनाव खर्च अपना ये आ गया, ठीक है, इतनी बातें हो जाएगी मेरे हिसाब से किसी को ही दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए पॉइंट नंबर 8 पे गौर फरमाइए जरा, पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है कि देखिए चेयरमैन, यहां देखिए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड पंचायत समिति ऑफ पंचायत समिति, देखिए ये कह रहा है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति, पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पर है, उसका जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है एंड प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट ऑफ जिला परिषद, यानी सीधी सी बात है भाई, पंचायत समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिला परिषद का अपने क्या है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो भी लगा लीजिए आप, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनके लिए क्या है इलेक्शन की बात हो रही है, तो इनका इलेक्शन क्या होगा, देखिए चेयरमैन वाइस चेयरमैन क्या रहेगा, चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऑफ द पंचायत समिति एंड प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, अपने क्या आएगा इनडायरेक्टली बाय द अपने इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम, यानी जो मेंबर चुने जाएंगे वही चुनेंगे आगे, ये इनडायरेक्ट हो गया, स्पेशल इनका याद करना है। आप देखो सरपंच पंचायत डायरेक्ट चुनाव होता है, ठीक है, जिला परिषद के मेंबर का और पंचायत समिति के मेंबर का, मेंबर तो क्या डायरेक्ट ही आएंगे सबके मेंबर, ठीक है, लेकिन जो अपने बात करें जिला परिषद है, जो जिला परिषद है और अपने बात करूं मैं ब्लॉक समिति है यानी पंचायत समिति जिसे आप बोलते हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनके जो वाइस चेयरमैन, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये दो दो होते हैं ना, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट रूप से चुने जाएंगे भाई, ठीक है, वही पुरानी प्रोसेसिंग रहेगी जो पहले थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट और है, 31 नंबर पॉइंट, कौन सा नंबर का भाई, ये देख लिया अपने 31 नंबर पॉइंट क्या कहता है ये, और देखिए भाई ये लीजिए 31 नंबर पॉइंट, ये 31 नंबर पॉइंट करना था क्या, 31 ये लीजिए 31 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए जमानत राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो करते हैं, जिसे जमानत अगर मान लीजिए जो आपने राशि भरी सरपंच पंच जिला परिषद के मेंबर बनने के लिए और ब्लॉक समिति का मेंबर बनने के लिए, ठीक है, तो वो जो राशि भरी है वो राशि जमानत जब्त कब होती है ना, तो वो राशि जब जमानत जब्त होगी तो नहीं मिलती, ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन ये है, देखिए सीधी सी बात है भाई, अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें किसके लिए, सरपंच के लिए, केवल किसके लिए सरपंच, ठीक है, सरपंच के लिए जमानत राशि 1/10, यानी जितने वोट पोल होंगे, गांव की वोट नहीं देखी जाएंगी, मान लीजिए मेरे गांव में 1100 वोट हैं, ठीक है 1100 वोट हैं और वोट पोल हो गए भाई मेरे गांव में 1000 पोल हुए हैं, कितने हुए हैं 1000 पोल हुए हैं, मैं सरपंच खड़ा था मुझे 50 ही वोट मिले, ठीक है, मुझे कितने मिले 50 ही मिले
वालों ने, पड़ोसियों ने दिए और किसी ने नहीं दिए। तो भाई 1000 वोट आए मेरे, मतलब 50 वोट आए, टोटल कितने पोलिंग हुए इसको छोड़ दीजिए, होने कितने थे 1100। पोलिंग पोलिंग पे ध्यान दीजिए, 1000 पोलिंग हुए ना, 1000 का 1/10 निकाल लो, 1/10 निकाल लो, कितना आ गया भाई 100 आ गया ना। अब मेरे 100 वोट तो नहीं आए, मेरे तो 50 ही आए थे, इसका मतलब मेरी जमानत जो है वो जब्त कर ली गई, ठीक है, यानी जो मैंने राशि करवाई थी वहाँ पर जमा वो मेरे को वापस नहीं मिलेगी। अगर मेरे 100 या 101 या 102 कितने भी ऊपर आ जाते 100 प्लस है, तो मेरे को मेरे जो पैसे मैंने जमा करवाए थे वो मेरे वापस मिल जाते, ठीक है। ये तो सरपंच की कंडीशन है ओनली। अगर बात करूँ मैं भाई, यहाँ देखिए मेन बात, बाकी जो रह गए जितने भी, चाहे आपका पंच हो, मेंबर पंचायत समिति का हो, जिला परिषद का मेंबर हो, इनके लिए 1/3 रखा गया है, ये थोड़ा और बेहतरीन है, 1/3, ठीक है। तो इनके लिए 1/3, बाकी के लिए अपने 1/10 हो जाएगा, मतलब बात करें 1/10 यानी 1/10। तो ये कंडीशन आपको याद करनी है पंचायती राज में, पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। अभी आ जाइए नगर निगम के आंकड़े और देख लेते हैं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के जो आंकड़े हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जिला परिषद है, ठीक है, वो अपने नगर परिषद आएगा वो अलग है, चलिए उन पे और देख लेते हैं आंकड़े। लीजिए एक बार तो ये देखिए भाई आप, हरियाणा रफ्तार अपनी करंट अफेयर की पुस्तक हर मार्केट में हर शॉप पर अवेलेबल है, ठीक है, जाके बोल देना रफ्तार दे दो जी, रफ्तार दे देंगे आपको। इसके अंदर क्या है कि हरियाणा का तो 1 अक्टूबर तक का करंट अफेयर है, प्लस में इंडिया का भी करंट अफेयर है। 100-110 की बुक है ओनली, ऑनलाइन 140 की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साफ सी बात है। हरियाणा हरिकेन, ठीक है, हरियाणा सामान्य ज्ञान का जो 20 नंबर का पोर्शन, 5 करंट अलग निकाल दीजिए, करंट तो वो हो गई, अच्छा ये 20 नंबर का जो पोर्शन आएगा उसके लिए अच्छे से लाभदायक रहेगी, दो बार पढ़ लेना भाई मेरे, 18-19 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अगला देखिए, अपनी डिवाइन स्टडी ऐप पर जो कोर्सेज है, ये कोर्सेज मैं बिल्कुल सस्ते कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को भी परचेज करना हो तो अपनी एप्लीकेशन पर जाइए, और अभी जाकर ये जो एस्टेट का 1100 रुपये का है, ये आपका 400 रुपए में मिल जाएगा। कितने में जी? 400 रुपए में मिल जाएगा। सस्ते क्यों कर रहे हो मास्टर? बिक नहीं रहे के? बिक तो रहे हैं भाई मेरे, लेकिन क्या है, पेपर के दिन कम बचे हैं, ठीक है। सीटी रिवीजन बैच, ये जो आपका रहेगा 699 का, ये आपका 350 रुपए का रहेगा भाई। दोनों जाकर आप बाय कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है डिवाइन स्टडी ऐप का, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, सीधा बाय हो जाएगा। और एक और बता दूं, 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है, आगे जितने भी ग्रुप डी का और अन्य एग्जाम होने वहां भी काम आएगा, ठीक है, आप ले सकते हैं। अब चलिए हम दूसरी पीडीएफ पे आ जाते हैं भाई, एक और पीडीएफ मेरे पास है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लीजिए अन्य पीडीएफ को खोल लूं मैं फटाफट, एक दूसरी पीडीएफ है मेरे पास, ये भाई अपने नगर पालिकाओं से संबंधित है। लीजिए नगर पालिकाओं से संबंधित है, सबसे पहले देखिए म्युनिसिपल इलेक्शन, ठीक है, लीजिए यहां पे लिखा हुआ है ना म्युनिसिपल इलेक्शन। अब देखिए इसके अंदर क्या है, देखिए मेयर, प्रेसिडेंट और मेंबर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 10th पास होना चाहिए, म्युनिसिपल काउंसिल होता है कमेटी का वो 10। हिंदी में बताऊं, ये होता है आपका अपने नगर पालिका, ऊपरी ऊपर वाला कौन सा है, नगर पालिका है जी, ठीक है, नगर पालिका के नीचे यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ लिख दिया मैंने पालिका, ठीक है, नगर पालिका, नीचे वाला नगर परिषद है जी, और नीचे नीचे वाला नगर निगम है जी, ये लीजिए 3 आपके कर्म दिए गए। कमेटी क्या होती है, परिषद होती है, ठीक है, इनकी एजुकेशन देख लेना, सेम वही सिचुएशन है जो कि पंचायती राज में थी, डिट्टो है, अगर वो याद होगी तो ये भी आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आनी। चलिए अब इसके बाद में अगला देखिए क्या है भाई, आगे देखो इनके लिए जो ये अपने राशि होती है, ये राशि अपने अपने क्या वेतन दे रखा है ना भैया, ये अपने मानदेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानदेय, ठीक है, ये मानदेय है इनका, यहां से देख लेना, ठीक है, इनका मानदेय हो गया। अच्छा यहां देखिए, यहां पर इनकी क्या है, लिमिट दे रखी है चुनाव खर्च की, ये चुनाव खर्च की लिमिट है भाई, ठीक है, कर लोगे, चुनाव खर्च की लिमिट 1-1 की अच्छे से दे रखी है। ये आपका नगर निगम है,
नगर निगम है, नगर निगम का क्या बोलते हैं जी, मेयर बोलते हैं और मेंबर बोलते हैं, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे दोनों अलग अलग, यानी आप राशि के हिसाब से आ जाइए। ये आपका क्या हो गया अभी 16,000 और 16 लाख और 10 लाख, ये आपकी होगी परिषद भाई, परिषद वहाँ उल्टा हो गया था कि चलो आप देख लेना भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गई भाई, पालिका हो गई, ठीक है। पालिका तो निमन हो गई ना, कम ही खर्च होगा, तो देख लीजिए ये आप लगा लेना। वो थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था मैंने इंग्लिश में, आप इसको अच्छे से कन्वर्ट करके पढ़ लेना भाई मेरे। चलिए अब इसके बाद में आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूँ और चीज़ों पर, अभी पॉइंट नंबर अपना इंपॉर्टेंट है इसमें कौन सा, 18 नंबर पॉइंट। देखिए 18 नंबर पॉइंट कहाँ है भाई, 18 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, 18 नंबर, 18 नंबर खुल जा भाई। 18 नंबर आया नहीं, ऊपर गया 15, 16, 17 और 18, ये आ गया 18 नंबर। देखिए भाई संख्या देख लीजिए अच्छे से, देखो भाई देर आर 22 म्युनिसिपल काउंसिल्स, यानी आपकी क्या है भाई, अपने 22 जिला नगर परिषद है, कितनी है 22, क्या है नगर परिषद है जी, 22 नगर परिषद है, क्लियर हुआ। अच्छा उसके बाद में ये क्या कह रहे हैं आगे देखिए, 60 म्युनिसिपल कमेटी का मतलब आपकी ये हो गई भाई नगर पालिका, कमेटी नगर पालिका होती है भाई, नगर पालिका, ठीक है। हाँ ऊपर वाले में वो गलती से लिख दिया गया, आप सुधार लेना, ठीक है। और 11 क्या है भाई, 11 ऊपर दे रखे हैं नगर निगम, नगर निगम कितने हैं जी 11 नगर निगम के नाम देख लीजिए भाई फटाफट। नंबर 1 अंबाला, नंबर 2 फरीदाबाद, नंबर 3 गुरुग्राम, नंबर 4 हिसार, नंबर 5 करनाल, नंबर 6 मानेसर, है ना, ये नया बना है भाई, और नंबर 7 पंचकुला, नंबर 8 पानीपत, नंबर 9 रोहतक है, नंबर 10 सोनीपत, नंबर 11 यमुनानगर है ना, ये 11 के 11 नगर निगम हो गए आपके, याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक का कर लेना। ये भाई मानेसर आपका यहाँ लिख रखा है ना ब्रैकेट में, ये नया है भाई, ठीक है नया है। अब इसमें बड़ा छोटा पूछ लिया जाए तो भाई देख लीजिए, के ब्रैकेट में जो संख्या लिख रखी है, देखिए अंबाला के ब्रैकेट सबसे बड़ा फरीदाबाद 45 मेंबर है, यानी पॉपुलेशन में आपका फरीदाबाद बड़ा रहेगा। छोटा कौन सा है भाई, छोटे में देखो 20 15 35 20 20 20 26 22 20, ये छोटे में तो बराबर से ही हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये आज के लिए आपका डाटा था, मेरे हिसाब से आपको पसंद आया होगा, क्योंकि चीज ऑफिशियल जब आती है ना सामने, पढ़ने का मजा आता है, विश्वास होता है थोड़ा कि हाँ वास्तव में डाटा ओरिजिनल है, ठीक है। अपनी जो करंट अफेयर की बुक में है सारी चीजें ये लिखी हुई है, सिर्फ एक चीज की कमी थी, वो आप सुधार लेना। उसमें क्या था कि ये 59 लिखा हुआ था, कितना लिखा है 59 लिखा है, ये 60 कर लेना भाई, सीधी सी बात ये है, बाकी सारी चीजें ओके है, ठीक है। और ये करंट अफेयर की बुक है, ये वाली अपनी करंट अफेयर की बुक रहेगी, ये जीके की बुक है भाई और ये करंट अफेयर की है, दोनों मार्केट में इस टाइम पे अवेलेबल है। आज ही जाइए और हरियाणा रफ्तार परचेज कर अपनी तैयारी को रफ्तार दीजिए, अपनी तैयारी को और ज़्यादा रफ्तार दीजिए। धन्यवाद जी।